हाँ जी सर। हाँ जी, वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर दिस इज अ टू टाइप्स ऑफ। आप कोई भी गेम खेलते हो, स्पोर्ट्स करते हो, डेली कोई रूटीन वर्क करते हो, ठीक है, इंजरीज, डिजीज, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर आदमी को होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई इंजरीज ना हुई है। ठीक है, मे बी माइनर, मेजर, और कोई आदमी बीमार ना हुआ, इट्स रेयर। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज स्पेशली रिगार्डिंग फॉर दोज चिल्ड्रन, दोज हु हैव अ डिफरेंट डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज। ठीक है, उनको हमने स्पोर्ट्स में कैसे प्रमोट करना है, उसको लुक आफ्टर कैसे करना है, पेरेंट्स को उसकी नॉलेज होगी तभी वो उसको अर्ली स्टेज पे चेक कर सकते हैं, उसको उसका सोल्यूशन के लिए डिफरेंट वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, बाय मेडिसिन के थ्रू उसको आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो ये दीज आर द डिफरेंट डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर जो आपको इस चैप्टर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबिलिटीज क्या है, इट इज अ लीगल टर्म। डिसेबिलिटीज मीन्स कि आपका किसी का भी बच्चे का कोई भी आपका लिम है उसकी जो मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर्स आपको सर्टिफिकेट बना के देते हैं दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए कि ही और शी हैज अ दिस मच ऑफ डिसेबिलिटी, 50%, 30%, 40%, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज। ये एक लीगल है, डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिलता है अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप लोग भी हम देखते हैं जो बच्चे खेलने जाते हैं, ठीक है, वहां पे भी आप पैरा ओलंपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेक देयर डिसेबिलिटीज लेवल, बच्चे का डिसेबिलिटी लेवल कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, उसमें भी नॉर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने रखे हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिसेबिलिटीज क्या है, दैट इज अ लीगल टर्म। डिसेबिलिटी इज द कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन, दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन और मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ उसी भी पर्सन की डिसेबिलिटीज में क्या है, आपकी कोई भी जो हम एक नॉर्मल फंक्शन करता है कोई भी आदमी, बट इन केस ऑफ डिसेबिलिटीज वो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो मूवमेंट आप प्रॉपर नहीं कर सकते हैं जो एक आदमी नॉर्मल आदमी कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन इन योर मूवमेंट। ठीक है, बट इन केस ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या है, ये इट इज अ मेडिकल टर्म, ये आपको पता होना। डिसेबिलिटी इज अ लीगल टर्म एंड डिसऑर्डर इज अ आपका रिलेटेड टू मेडिकल टर्म, जिसमें आपको ये डिजीज से रिलेटेड होता है। डिसऑर्डर इज इलनेस, ठीक है, आपको बीमारी से हो गया, इलनेस से हो गया, हेरिडिटिकली हो गया, ठीक है, बट डिसेबिलिटीज इज अ रिस्ट्रिक्शन इन योर मूवमेंट, इट अफेक्ट्स डेली लाइफ। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन आपका जब हो गया, आपका मूवमेंट नहीं हो रही है, आपका कोई किसी भी लिम्स में प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा डिफरेंट एथलीट्स किसी के लेग्स में, किसी के हैंड्स में कोई भी एनी प्रॉब्लम है, तो आपकी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट। फॉर दैट आप जो अपना डेली वर्क है, जो डेली एक नॉर्मल आदमी काम करता है, वो आप काम नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है, यू नीड अ हेल्प। अब जो जितने भी ऐसे लोग आए थे, तो इन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, बहुत से लोग, बहुत से आपके आर्मी के जो पर्सन है वो इंजर्ड हो गए, डिसेबल्ड हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन दे स्टडीड कि अगर इनको हम कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी में, सो दैट दे कीप ऑन कंसंट्रेट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, प्लस उनका फिजिकली फिटनेस का भी साथ साथ काम चलता रहे, तो फॉर दैट उन्होंने क्या किया, एक डिफरेंट रिक्रिएशन एक्टिविटी शुरू कर दी उनके लिए, जिसको फर्दर इन्होंने पैरा ओलंपिक्स के उस पर स्टार्ट कर दिया कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको ये ना लगे कि हम भी कोई ये गेम खेल सकते हैं, या कोई बहुत अच्छा प्लेयर है उसको इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, आफ्टर दैट देर इज ए वन प्लेटफॉर्म दैट इज पैरा ओलंपिक, यू कैन गिव योर 100% ओवर देयर। तो कीप इन दैट पर्टिकुलर व्यू इन माइंड, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने एक इवेंट बनाया, उसका नाम उसको दिया पैरा ओलंपिक गेम। तो ये जो जितने भी आपके डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जितने बच्चे हैं, दे कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट्स,
गेम्स, कोई भी एक्टिविटी, एथलेटिक्स में, इंडिविजुअल इवेंट्स में, आप टीम गेम में है, तो देर इज अ डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, डिफरेंट मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग द ग्राउंड इक्विपमेंट्स, ग्राउंड कंडीशंस, ठीक है, वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से उन्होंने फ्रेम की हुई होती है डिफरेंट गेम में। आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, वो व्हील चेयर पे वो बैठे होते हैं, व्हील चेयर को अपने हैंड से मूव करते हैं, टर्न करते हैं, देन दे शूट द बास्केट। आपका रनिंग में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल लेग्स के साथ रनिंग करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट, उन्होंने उनको इक्विपमेंट दिए हैं सो दैट दे कैन कंफर्टेबली अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्ट देयर सेल्फ एंड देन दे प्ले फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। इट इज मोस्टली रिलेटेड विथ फिजिकल, ठीक है, जितना भी आपका डिसेबिलिटी है वो आपका फिजिकल से रिलेटेड है सारी, विच रिड्यूस आपका जो डेली आपका लाइफ है, आपका जो काम करना है उसको रिड्यूस कर देती है। अब कोई भी इम्पेयरमेंट आपकी बॉडी में किसी के भी हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फर्दर ये आपकी थ्री टाइप्स की होती है, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, फिजिकल डिसऑर्डर, डिसेबिलिटीज। एंड मेन आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर, ठीक है। डिसेबिलिटीज ए लीगल टर्म और डिसऑर्डर आपका मेडिकल से रिलेटेड है। आपका अगर कोई भी फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करता है तो मोस्टली क्या होता है, इट इज अ साइकोलॉजिकली हेल्थ, इट इज हैपन जस्ट लाइक ए देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, वो आपको इसी में फर्दर टॉपिक है। ASD है, OTT है, ठीक है, जिसको हम हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, ऑटिज्म है, इस पर आपने एक मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, ऑटिज्म बच्चों पे उन्होंने बनाई है। तो ये डिफरेंट डिसऑर्डर है, दैट इज रिलेटेड टू योर मेंटल इलनेस साइकोलॉजिकली। तो उनको आपने कैसे ट्रीट करना है, उन बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, वो चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई भी चिल्ड्रन इस टाइप का कोई भी उसमें आप देखते हो सिम्टम्स, तो आप उसको अर्ली स्टेज में पिक करके आप उसको ठीक कर सकते हो। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस आपका डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज में। फर्दर क्या है, आपका जो डिसेबिलिटीज है उसको हम थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल इटसेल्फ क्लियर रिगार्डिंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू योर एनी फिजिकल बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी मोबिलिटी है, लिम्ब है आपका, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, डिसऑर्डर हो गया है, ये सारी चीजें आपको फिजिकल से रिलेटेड होगी है। और जो मेन आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है, दैट इज अ लिमिटेशन इन मेंटल फंक्शन, ठीक है, कोई भी स्किल है आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, वो क्या होता है बच्चा डिसेबिलिटी, उसमें मेन क्या है, वो बहुत स्लो लर्न करता है, ठीक है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है एज पर द नॉर्मल चिल्ड्रन बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है, उसको डिफिकल्टी आती है कोई सॉल्व करने में, किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है, कोई भी आप चीज़ देख लो इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अगर ईटिंग का उसको अपना पता नहीं रहेगा, ड्रेसिंग कोड का नहीं पता होता है, ये दिस इज डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो वो आपने उसको अर्ली स्टेज पे चेक करना है। देन आपका इंटेलेक्चुअल होता है, दैट इज न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो आपका न्यूरो से रिलेटेड होता है, ठीक है, न्यूरो से रिलेटेड जितने भी आपकी डिसेबिलिटीज हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए एक नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है, चिल्ड्रन में क्या फर्क होगा, उसकी हर चीज स्लो हो जाएगी, उसका सुनना लिखना, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, किसी से बात करना है, ठीक है, वो सारी चीजें उसको बताने में, समझने में, करने में इट विल टेक टाइम्स। वो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनकी तरह वो काम नहीं कर सकता है, तो ये हर चीज में उसको आपको बार बार चीज उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है, बार बार समझानी पड़ेगी आपके क्लासेस में, स्कूल्स में। अब नाउडेज क्या है, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, अगर आपके कोई भी अगर ऐसा बच्चा है तो उसको यू हैव गिव एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, ठीक है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। देर इज वैसे अदरवाइज बहुत से डिफरेंट स्कूल्स बने हैं जो डीफ एंड डम के लिए, आपने देखा होगा, यू हैव सीन सम, जितने भी डीफ एंड डम है वो लिखते भी हैं
उनको अंडरस्टैंडिंग भी आती है, उनके लिए डिफरेंट एक लिखने का लिए एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया होता है, वो उसी से फिंगर्स टच करके वो उसको सारा अंडरस्टैंड करते हैं। बोलते हैं ना जो ऐसे लोग होते हैं उनकी एक सिक्स सेंस होती है, दे कैन मतलब वो अंडरस्टैंड, जो आपने कहीं देखा होगा चलते हैं रोड पे अपना काम करते हैं स्टिक से, उनको दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ आपका स्टेप है, जहाँ पे वो रहते हैं करते हैं, वो कुछ एक दिनों में यूज टू हो जाते हैं, वो दे कैन वॉक विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पीपल। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं इनको आपने क्या करना है, इनको स्पोर्ट्स में हम जैसे इनको लेके आए पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है, वहाँ से क्या होता है कुछ कुछ जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं वो आप उसको वहाँ पर रोक सकते हो, फर्दर वो नहीं होगी। और कुछ एक ऐसी है कि बच्चों का अगर आपका कोई डिसेबिलिटीज एक लिंक में है तो यू कैन डेवलप अदर चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे आपने देखा, आप कोई आपने देखा होगा एक आपका इंडिया का बहुत अच्छा जेवलियन थ्रोअर है, ठीक है, उसका हैंड्स लिम प्रॉब्लम है एंड ही इज अ वेरी गुड थ्रोअर एंड ही टुक द डिफरेंट मेडल इन डिफरेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन चैंपियनशिप। तो वो एक स्ट्रेंथ होती है कि उन्होंने अपने दूसरे हैंड को, शोल्डर को, अपने बाकी बॉडी पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि दे मतलब आपका नॉन थ्रोइंग आर्म का भी इतना रोल होता है थ्रो में, बट दे एडजस्ट देमसेल्फ। तो वो अपने वर्च्यू ऑफ दैट देयर लिम दे लिव देयर लाइफ। आपने बड़े बड़े ऐसे बच्चे देखे हैं, कई लोग देखे हैं जो अपना जिनके लेग्स नहीं है स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, जंप कर रहे हैं, तो वो डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी को उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है। इंटेलेक्चुअल में आपका सारा रिलेटेड टू न्यूरो से रिलेटेड है, इसमें आपका इसकी डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, बट इन सब में बेटा एक चीज़ सब में कॉमन है, ये आपको पता होनी चाहिए। जितने भी आपके डिसेबिलिटीज हैं इसमें जो कॉजेज हैं इसकी दैट आर ऑलमोस्ट सेम, इसमें और डिसऑर्डर में भी। सबसे पहले इसमें क्या है, अगर किसी को कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है, उसका कोई वर्स इम्पैक्ट पड़ जाता है दैट इज हार्मफुल, उससे भी आपका कोई पार्ट डिसेबल हो सकता है। देन हेरिडिटी, ये आपको मेन पॉइंट याद रखने होंगे, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एक्सीडेंट, एनी वॉर, ठीक है, रॉन्ग मेटाबॉलिज्म, और देन आपका कोई पॉइजन या पेस्टिसाइड वाला बहुत ज़्यादा कोई स्प्रे वाली चीज़ खा लेते हैं, उससे डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, फिर कोई एक्सीडेंट, हेरिडिटी एंड हेड इंजरीज, ये मोस्ट आर द कॉमन कॉजेज, ठीक है, किसी भी डिसऑर्डर को डिसेबिलिटीज को होने के लिए यही आपके मेन कॉजेज है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें वो पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज, तो दीज आर द मेन कॉजेज, हेरिडिटी, ठीक है, एक्सीडेंटल आपका हो गया, देन आपका कोई हेड इंजरी होगी या किसी को, पेस्टिसाइड पॉइजन, कोई पेस्टिसाइड वाला ज़्यादा आपको आपने देखा होगा नाउअडेज इज अ लॉट ऑफ क्या करते हैं, स्प्रेज आर देयर इन ईच एंड एवरी फूड आइटम। कोई भी आप मार्केट में अगर चीज़ खाते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा स्प्रे, इतना पेस्टिसाइड यूज किया होता है कि ये जो कैंसर का मेन रीज़न यही है, जो पंजाब में मेन रीज़न कैंसर का, ये बठिंडा फाजिलका बैरक है, दैट इज मोस्टली जितने भी इन्होंने आगे सर्च की है कि यूज ऑफ हैवी हैवी पेस्टिसाइड, ठीक है, नेचुरली वो फसल को तो डबल कर देगी, कोई भी कीटनाशक है उसको मारेगी, बट उसका साइड इफेक्ट क्या होता है वो लेटेस्ट स्टेज में ही पता लगता है। तो ये आजकल आपने देखा होगा ऑर्गेनिक, ठीक है, सारे लोग कहते हैं हाँ जी ऑर्गेनिक जितनी भी आपकी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में उसका बड़ा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, विदाउट जो पेस्टिसाइड से आप कोई भी चीज़ अगर पैदा करते हो उसका एक अलग ही मार्केटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स हैं, ये आपके बच्चे हैं जितने भी डिसऑर्डर वाले हैं, ये दे कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। और आपको एक नॉलेज मैं और देना चाहता हूँ कि ये सारे आपके मैचेस जो होते हैं ये हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अभी यहाँ पे आपके जलंधर में इनके मैचेस हुए हैं पैरालंपिक के लिए, जो बच्चे जाते हैं जो मेंटली आप कह लो डिसेबल्ड है या आपका डिसऑर्डर जिनमें है, उनका जलंधर में आपका इवेंट हुआ, देन दे विल कंडक्टेड आपका लवली यूनिवर्सिटी में 2 ईयर्स बैक लॉकडाउन से पहले यहाँ पे एक नेशनल टूर्नामेंट करवाया है और बहुत से बच्चे यहाँ से आगे पंजाब को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। देन देयर इज नेशनल लेवल ऑफ कंपटीशन,
बच्चे फिर नेशनल लेवल के लिए यहीं से सिलेक्ट होके जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बच्चे को उसका माइंड डाइवर्ट रहता है उधर, ठीक है, उसको भी होता है कि मैंने भी औरों की तरह मेडल लेना है, ओलंपिक में जाना है, एशियन गेम में जाना है, कॉमनवेल्थ में जाना है, तो ये एक अच्छा इनके लिए प्लेटफॉर्म है। देन नेक्स्ट इज आपका आ गया जो मेन आपका डिसऑर्डर्स है, उसमें सबसे पहले डिसऑर्डर्स हम लेंगे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज, ठीक है, ADHD, इसको हम पहला कहेंगे ADHD, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपर डेफिसिट अटेंशन, ठीक है, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटीज इटसेल्फ, हाइपर एक्टिविटीज मींस कि जो जिनका जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं बच्चे, आपने कहीं देखा होगा वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ठीक है, दोज हु आर इन द कैटेगरी ऑफ दिस अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ठीक है, ये हाइपर, ये आपको पता होना चाहिए, बस जो हाइपर हो गया है मीन्स वो बच्चा कहीं पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकता है, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे आपको वो डिस्टर्ब ही करते रहेंगे अगर वो कहीं बैठे होंगे, क्योंकि वो ज्यादा देर सीटिंग नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन लेवल उनका बहुत कम होता है, तो दे ऑलवेज कीप ऑन डूइंग सम एक्टिविटीज विच डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है, तो इनका मेन क्या होता है सिम्टम्स क्या आप देखेंगे कि वो कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं, दे हैव नो फोकस बिहेवियर, दे कांट सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, दे कांट कंसंट्रेट फॉर लॉन्गर टाइम, वो किसी भी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर के लिए, अनेबल टू कंसंट्रेट फॉर एनी टास्क, कोई भी अगर हम काम देते हैं तो आप जैसे आप बाकी लोग सीरियसली कर रहे हैं वो थोड़ी देर कर देखेंगे करेंगे देन लीव दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ हाइपर एक्टिविटी पर्सन का जो डिसऑर्डर्स होता है तो उनको हमने उनके सिम्टम्स को हमको पता होना चाहिए, ठीक है, वो इजिली किसी भी आदमी को किसी भी चीज को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस वी नीड अ मोर अटेंशन, ठीक है, उनके लिए और उनके जो कॉजेज हैं, अब इसमें पर्टिकुलर क्या है हाइपर एक्टिविटी वो बहुत हाइपर है, नॉर्मल भी आप कहीं देखोगे ना कई लोग उनको थोड़ा सा कुछ बोलो एकदम हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, हाइपर टेंशन वाले हैं, वो एकदम प्रोवोक हो जाए, उनको बड़ा इजीली प्रोवोक कर सकते हो आप, और वो दूसरों को भी बड़ी जल्दी क्या करते हैं बाकी लोगों को भी खराब करते हैं, अगर कोई काम कर रहा है नॉर्मली कोई बैठा है कोई अपना काम कर रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो दे हैव ए हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देन आपका आ जाता है SPD, ठीक है, SPD मीन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी जो सेंस से रिलेटेड आपका होता है, ठीक है, सेंसरी मीन्स हमने कोई हमारे माइंड ने ऑर्डर दिया उसको हमने क्या रिस्पॉन्स किया, ठीक है, कोई चीज आपके माइंड में आती है हम खेलते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्स वाला इनका जो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, उनमें क्या होता है दे हैव अ ट्रबल इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, किसी भी चीज को हमारी इम्पल्सिस हैं, हम कोई भी काम करते हैं माइंड में जाता है इम्पल्सिस में वो हमको ऑर्डर करता है, जैसे हम स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन एबिलिटी मींस कि आपने हाउ फास्ट यू रिएक्ट इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज, आपका माइंड ने देखा ये काम करना हाउ फास्ट यू रिएक्ट, आपका बॉडी का माइंड के साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हाउ फास्ट यू डू दैट एक्टिविटीज, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट इन फिजिकल फिटनेस कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, ठीक है, तो इसमें भी सेम वही होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या है कि आपको कोई रिसीविंग में और रिस्पॉन्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है उन बच्चे में, कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दे हैड अ बिग बिग प्रॉब्लम,
आपने कोई काम बोला है उनको रिसीव करने में पहले तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दैट इज रिलेटेड टू सेंसरी, कि आपके जो सेंस होती है उसको अंडरस्टैंडिंग करने की, उसको करने की, उसका मेन क्या है, वो बच्चे का आपको उसको सिम्टम्स क्या होते हैं, वो जो बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि आप उनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो या कर दो, आपने सम टाइम कभी देखा होगा बच्चे या कोई नॉर्मल भी आपने देखा होगा उनको, तो थोड़ा सा आप टच कर लो, हल्का सा ऐसे हैंड लगा दो, वो बोलेंगे जी इतनी जोर से मुझको मार दिया या ऐसे टच किया, होता है ना ऐसा, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी सर, होता, आप थोड़ा सा धूप में वो हो, मेरी स्किन खराब हो गई है, मैं तो ये हो गया, ठीक है, पानी नहीं मिला, मैं डिहाइड्रेशन हो जाऊंगा, मतलब बहुत सेंसिटिव, उनको आप थोड़ा टच भी करोगे बोलेंगे मुझको मार दिया जी, ऐसी बहुत कंप्लेंट आती है, नॉर्मल भी बच्चों में भी ये हैबिट्स होती है, वो एकदम से सेंसिटिव इतने ज़्यादा होंगे कि आप उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो तो उन्होंने उस चीज़ को इतना बड़ा करके बता देना, तो ये प्रॉब्लम उन बच्चों में आती है, ये मेन है, दैट इज सेंसरी, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपने उनको टच कर दिया वो एकदम आपको रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपने उनको बोल दिया कि कोई भी चीज़ है, उनको अपना पता ही नहीं होता है कि मैंने ये चीज़ ऐसे करनी है, बाकी लोग अब सम आपने एक नॉर्मल देखना, दोज हु आर अ फिजिकली फिट पर्सन, हम बोलते हैं ना ये बड़ा फिट है, ये स्पोर्ट्स का, ये ऐसा है, बट इट डज नॉट मीन कि दोज हु आर नॉट गोइंग फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वो फिट नहीं होते हैं या उनमें वो स्टेमिना नहीं होता है, ये कभी भी अपने माइंड में ये चीज़ नहीं रखना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ही बहुत स्ट्रॉन्ग, उनमें स्टेमिना एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, नो, कई रूटीन में ऐसे हैं लोग जो आप डेली अपना वर्कआउट करते हैं, डेली अपना वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम व्हाटसोएवर जो उनका शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का, दे डू डेली विदाउट अ टारगेट दैट यू आर प्लेइंग एनी गेम एनी स्पोर्ट्स, आप किसी गेम में कर रहे हो कुछ, नो, दे कीप देयर बॉडी फिट, उनका मेन मोटिव क्या है कि मैंने अपनी बॉडी को फिट रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फिटनेस को ऐसे ही स्टेबल रखना है। आपने कई ऐसे बहुत देखे हमने दोस्त द्वारा 50+, दे कीप देयर बॉडी वेट इंटैक्ट, देयर डाइट, वो खाना पीना उनका इतना होता है, आप उनको जितना मर्जी जोर लगा लो, बोल लो कि ये खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, दे नेवर टच, उनका एक अपना बैलेंस डाइट का चार्ट बना होगा, ठीक है, उन्होंने अपना खाना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इवनिंग जो भी होगा दैट इज अप टू देयर रूटीन शेड्यूल, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल, उनका जो लाइफस्टाइल होता है उसको आप कोई भी लोग जाके, हम कभी बोल देते हैं जी चलो आज ये बर्गर खा लो, फास्ट फूड खा लो, डिसिप्लिन होते हैं। यस बेटा, मैंने कहा सर उनका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन होता है। हाँ जी, डिसिप्लिन होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन होगा तभी आप काम को रिजल्ट दे सकते हो, अदरवाइज लोगों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे बैठ के यार ये खा लिया, कल वो, कल पिज्ज़ा मंगा लिया, नाउडेज व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, हम जाते हैं बच्चों को लेके या कोई टीम जाती है कोई, वेरी सिंपल नाउडेज, आपने बच्चों को होटल में रूम दे दिया, उनको खाना पीने का उन्होंने क्या करना है, किसी को पूछना नहीं, जहाँ पे जिस अपना सिटी में जाते हैं खेलने, हर जगह आपको पता है जोमेटो सर्विस अवेलेबल, पिज्जा आ रहा है जी, बर्गर आ रहा है जी, दिस इज ए नाउडेज बिग प्रॉब्लम फॉर कोचिज एंड मैनेजर, कोई भी आगे क्या होता था, जो कोचिज ने कहा या जहां लेके खा लिया कर लिया, ठीक है, वहां मैस होगी, मैस में जो बना वो खाएंगे, अब वो काम ही खत्म है, आप बोलोगे हाँ जी डिनर, वो बच्चे हमने ले लिया जी खा लिया, या हमको भूख नहीं, क्यों, उन्होंने पहले ही वो बर्गर बुर्गर खा के अपने, दे एंजॉयड ऑल दिस कोल्ड ड्रिंक एंड दैट्स ऑल, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम नाउडेज, ठीक है, ये जो आपका होम डिलीवरी वाला काम हो गया है, घर पे पेरेंट्स अगर जॉब पे हैं तो उधर से पिज्जा पास्ता आ रहा है, खा रहे, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, कोई पता नहीं, जब तक पेरेंट्स आते हैं वो खा पी के बेले, आप बोलोगे सब्जी खा लो, वेजिटेबल, दूध पी लो, नहीं, नो, खेलने वाले बच्चों में मतलब ये ट्रेंड शुरू हो गया है, अदरवाइज ये पहले नहीं होता था, आप किसी भी छोटे बच्चे को आप मिल्क दे दो विदाउट उसमें कोई आप बॉर्न मिठाई या कुछ वाइट देखने में, वो वाइट देख के पिएगा नहीं, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नाउडेज, ये सारा आपका एडवांस जितना टेक्नोलॉजी काम हो गई है वैसे ही लाइफस्टाइल बच्चों का खत्म हो गया घर पे रह रहे के, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट आपका ये हो गया SPD,
अब इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है ओडीडी, ये समटाइम देयर इज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, नेम द डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीएचडी, एसपीडी, ओडीडी, ठीक है। ये सारी जब आप चीजें पढ़ोगे एक बार अच्छी तरह, देन यू कम टू नो, ये आपका ओपोजिशनल आ गया, ओपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर। आपने अपने जो ऑपोजिट है, ये सबसे मेन जो डिसऑर्डर है ओपोजिशनल, मीन्स आपने दूसरे की किसी की सुनने नहीं है, ऑलवेज यू आर आर्गुइंग विद अदर्स, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन व्हाट हैपन्ड, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज, ऑलवेज आर्गुइंग विद द सपोर्टिव, विद द रूल, जो चीज आप उसको उनको बताओगे उन्होंने उसमें से कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव ही निकालना है, ठीक है। आप कोई भी उनको रूल बताओगे, कोई काम बताओगे, तो वो हमेशा आपसे आर्गू करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दे कांट अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई भी आप काम ले लो, कोई भी बात आपने बोलनी है, आप पेरेंट्स को देख लो, और ये डिसऑर्डर, ये जरूरी नहीं है कि डिसऑर्डर इन दिस कैटेगरी ओनली, ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, नॉर्मल भी आपने कई बार देखा होगा सम चिल्ड्रन, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, ग्रैंड फादर मदर कुछ बोलते हैं, दे ऑलवेज कीप ऑन क्वेश्चनिंग, आपको कोई काम बता रहे हैं, कोई समझा रहे हैं बड़े, दे नेवर अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, इंस्टेड ऑफ उसको आगे से कॉन्ट्राडिक्शन पोजिशन में ले जाके उनको कोई ना कोई आगे बोलते रहे, एंड दैट इज वेरी बैड हैबिट। किसी भी अपने से बड़े को, ठीक है, इन योर लाइफ अगर कोई भी आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई बता रहा है, नेवर आर्गू, डिस्कशन दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, आप डिबेट कर रहे हो वो अलग चीज, ठीक है। नॉर्मल अगर आपको कोई बड़ा बोल देता है ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, तो वो आगे बच्चे ही उनको क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑपोजिशनल डिसऑर्डर, ये आज बहुत ज्यादा हो गया है, जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, कोई पेरेंट्स के नहीं सुनते हैं, ठीक है, उनका अपना सर्कल है, अपना फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड अगर कोई बोल देगा आज हमने यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो फाइनल होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आपके पेरेंट्स का। हाँ जी।